अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th एंड चैप्टर नंबर इज 1, एक्सरसाइज नंबर इज 6.1, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.6। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस चैप्टर वी हैव बीन सॉल्व आउट द वन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमसे कहा गया था होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस जिसमें हमसे कहा गया था कि होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 should be equal to conjugate of z1 plus z2। पिछले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें प्लस का क्वेश्चन था कि होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 बराबर आना चाहिए होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 के। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 should be equal to conjugate of z1 माइनस z2 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमको z1 की वैल्यू दी हुई है -4 प्लस 6 आयोटा और z2 की वैल्यू दी गई है 2.5 - 2 आयोटा के। तो हमको वेरीफाई करना है, यानी कि साबित करना है कि होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 शुड बी इक्वल बराबर आना चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 के। तो स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्पज आई रॉट हेयर सॉल्यूशन लिखा है, उसके बाद आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि मैं होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ उस वक्त। तो मैंने यहाँ पे ये उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 ये मैंने उतार दिया यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके बाद ये कॉन्जुगेट की जो सिंबल है ऊपर लाइन जो लगी हुई है z1 माइनस z2 के ऊपर जो लाइन लगी हुई है ये, तो ये कॉन्जुगेट पढ़ते हैं इसको, ये कॉन्जुगेट के सिंबल में हटा दूंगा, ओके। तो ये मैंने हटा दी, अब मैं क्या करूंगा z1 माइनस z2 में इनकी वैल्यूज ऊपर क्वेश्चन से देख के पुट अप करिए मैंने। तो देखे यहाँ पे z1 माइनस z2 जो बराबर था, z1 बराबर था हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि z1 बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा के। तो मैंने z1 की जगह -4 प्लस 6 आयोटा की वैल्यू पुट अप कर दी है, और उसके बाद ये बीच में माइनस की सिंबल है, तो ये माइनस की सिंबल मैंने दो ब्रैकेट के दरमियान लगा दिए, और z2 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो 2.5 - 2 आयोटा। तो z2 की जगह मैंने 2.5 - 2 आयोटा की वैल्यू पुट अप कर दी गई है, कर दिए, ओके। तो मैंने z1 z2 की वैल्यू क्वेश्चन से देख के पुट अप कर दिए। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में z1 माइनस z2 बराबर हो गया है -4 प्लस 6 आयोटा को एज इट इज उतार दिया, माइनस के सिंबल एज इट इज उतार दी, उसके बाद 2 * 4 को 1 में प्लस किया तो 5/2 हो गया और -2 आयोटा उतार दिया। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है मैंने, अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में z1 माइनस z2 बराबर हो गया है, ये ब्रैकेट्स दोनों ब्रैकेट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं और -4 प्लस 6 आयोटा एज इट इज उतार दिया है और माइनस के सिंबल उतार दिए और दूसरी ब्रैकेट भी खत्म कर दी, 5/2 माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस 5/2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो गया। तो ये स्टेप मैंने उतार दिया है, ओके स्टूडेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पर जो है z1 माइनस z2 एज इट इज उतार दिया है, इक्वल का निशान एज इट इज उतार दिया है, -4 को -5/2 के साथ एक जगह कर दिया है, दोनों कांस्टेंट थे, प्लस 6 आयोटा को प्लस 2 आयोटा के साथ कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में मैंने 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मैंने 1 लिख दिया है, -5/2 उतार दिया है और 6 आयोटा 2 आयोटा को प्लस कर दिया तो 8 आयोटा हो गया, ओके। तो अब इसी स्टेप को मैंने ऊपर उतार दिया है, देखें यहाँ पर ये 4 के नीचे कुछ नहीं था तो डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया है, -5/2 इसके साथ लिख दिया है और प्लस 8 आयोटा आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 और 1 का मैंने एलसीएम ले लिया है, -4/1 -5/2 का एलसीएम लिया है, तो 2 1 = 2 एलसीएम आ गया है, 2 1 से डिवाइड हुआ तो 2 आया, 2 ऊपर के 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 = 8 लिख दिया है, 2 2 से डिवाइड हुआ तो 1 आया और 1 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 = 5 आ गया, तो -8 - 5/2 हो गया, प्लस 8 आयोटा मैंने यहाँ पे उतार दिया है स्टूडेंट्स, ओके। अब क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, z1 माइनस z2 बराबर हो गया -8 - 5 -1 + 8 और 5 प्लस किया तो 13 हो गया और 8 > 5 5 से बड़ा, इसकी साइन माइनस थी तो मैंने -13 के साथ माइनस लगा दिए, तो -13/2 प्लस 8 आयोटा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट, टेकिंग कॉन्जुगेट, अब हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा की साइन प्लस आयोटा जो है ये आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस आयोटा हो जाएगी, तो यहाँ मैंने माइनस आयोटा कर दिया, -13/2 को एज इट इज उतार दिया है और प्लस 8 आयोटा -8 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि z1 माइनस z2 के पर जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी। तो हमने जो आंसर मालूम किया है, z1 होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 बराबर आ गया है, माइनस की दो सिंबल्स थी तो एक सिंबल कॉमन ले ली, तो -1 + 13/2 हो गया, -1 + 8 आयोटा, तो हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये आंसर आया है, यानी कि होल कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किए वो ये आ गई है। अब हम ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसका आंसर भी यही आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए।
सो नाउ आई एम टेकिंग द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लूंगा. राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू. इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए जो हमने अभी निकाला है. ये इस आंसर के बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड का आंसर. ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड. सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू मालूम करूंगा. इसके लिए कॉन्जुगेट की सिंपल, यानी कि ऊपर की दो लाइनें जो लगी हुई जेड वन जेड टू के ऊपर, ये कॉन्जुगेट की लाइन है, ये मैंने रिमूव कर दी है, हटा दी है. तो मैंने सिर्फ जेड वन माइनस जेड टू लिख दिया है, जेड वन माइनस जेड टू लिख दिया है. अब मैं जेड वन और जेड टू की वैल्यू क्वेश्चन से देख के यहाँ पे मैंने पुटअप कर दी है स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन में जेड वन की वैल्यू थी माइनस फोर प्लस सिक्स आइट, और ये पुटअप कर दी जेड वन की जगह, माइनस की सिंपल दो ब्रैकेट के दरमियान लगा दिया, और जेड टू की वैल्यू थी टू हाफ माइनस टू आयोटा. ये मैंने क्वेश्चन से देख के पुटअप किए. देखिए क्वेश्चन में जेड वन और जेड टू की वैल्यू लिखी हुई है, जेड वन बराबर है माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस फोर प्लस सिक्स आयोटा के, जेड टू बराबर टू हाफ माइनस टू आयोटा के. तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी है. ओके स्टूडेंट्स, अब इनके बाद वैल्यू पुटअप करने के बाद जेड वन माइनस जेड टू को एजिटिस उतार दिया है, माइनस फोर प्लस सिक्स आयोटा को एजिटिस उतार दिया है. अब ये माइनस के सिंबल जो है ये एजिटिस उतार दिए, और टू टू जो फोर, फोर और वन में प्लस किया तो फाइव हो गया, फाइव अपन टू उतार दिया, माइनस टू आइटा उतार दिया है स्टूडेंट्स. उसके बाद जेड वन माइनस जेड टू एजिटिस उतारा है, देखें दोनों ब्रैकेट रिमूव कर दिए, माइनस फोर प्लस सिक्स आइटा उतार दिया है, माइनस ये माइनस के साइन ब्रैकेट के अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस प्लस माइनस फाइव अपन टू हो गया, और माइनस माइनस प्लस टू आइटा हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो है कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ लिख दिया है, यानी कि माइनस फोर को माइनस फाइव अपन टू के साथ लिख दिया है, आयोटा को आयोटा के साथ लिख दिया है, प्लस सिक्स आयोटा को प्लस टू आयोटा के साथ लिख दिया है. अब नीचे जगह नहीं है तो यही लास्ट स्टेप मैंने ऊपर उतार दिया है स्टूडेंट्स. अब देखें यही लास्ट स्टेप मैंने ऊपर उतार दिया है, यानी कि माइनस फोर अपॉन वन, फोर के नीचे कुछ नहीं था तो वन लिख दिया डिनोमिनेटर में, माइनस फोर अपॉन वन माइनस फाइव अपॉन टू बराबर हो गया प्लस सिक्स आयोटा प्लस टू आयोटा के. तो अगले स्टेप में जेड वन माइनस जेड टू बराबर हो गया, यहाँ पे टू वन जा टू, टू एलसीएम लिया तो टू जो वन से डिवाइड होगा तो टू बचेगा, टू फोर से मल्टीप्लाई होगा तो टू फोर जा एट हो गया, माइनस की सिंबल उतार दी, टू टू से डिवाइड होगा तो वन बचेगा, वन फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव फाइव जा वन हो गया, यानी कि माइनस एट माइनस फाइव अपॉन टू आ गया, प्लस सिक्स के बाद सिक्स आयोटा टू आयोटा को प्लस किया तो एट आयोटा आ गया स्टूडेंट्स. माइनस एट माइनस फाइव को प्लस किया तो माइनस थर्टीन हो गया, माइनस थर्टीन अपॉन टू हो गया, प्लस एट आयोटा उतार दिया. तो स्टूडेंट्स अब मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ उसके ऊपर, सही है, मैंने लिख दिया कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट. तो जेड वन के ऊपर भी लाइन लगा दी है, जेड टू के ऊपर भी लाइन लगा दी है, कॉन्जुगेट की लाइन कहलाती है. यानी कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू बराबर आ गया है माइनस, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा, तो माइनस थर्टीन अपॉइंट टू माइनस एट आयोटा, पहले प्लस एट आयोटा था, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो एट आयोटा प्लस का जो सिंबल है वो माइनस बन जाएगी, यानी माइनस एट आयोटा हो गई. ओके स्टूडेंट्स, अब जो आंसर आ गया है माइनस दोनों तरफ है, माइनस माइनस तो माइनस की साइन कॉमन है, तो माइनस की साइन मैंने कॉमन ले ली, तो माइनस माइनस प्लस थर्टीन अपॉइंट टू हो गया, माइनस माइनस प्लस एट आयोटा. तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, यानी कि होल कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू बराबर है माइनस इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन अपॉइंट टू प्लस एट आयोटा, और कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू बराबर है माइनस थर्टीन अपॉइंट टू प्लस एट आयोटा, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है. तो ये वेरीफाई हो गया के होल कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू शुड बी इक्वल एंड द आंसर इज सेम टू द राइट हैंड साइड कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने में बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, सही है. और ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है. अब जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ वो चैप्टर सेकेंड यानी कि 2.6 की लॉगरिथम की चैप्टर इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप वॉच करिएगा. ओके, तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी. सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.